हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज़ वन के पैकेज टू का अपडेट लेकर के। अब ये बेसिकली मे का अपडेट है, क्योंकि इसको मैंने 30th मे को ये पैकेज शूट किया था। अपलोड होने में 2 दिन का समय लगा, इसी वजह से हम इसको मे का अपडेट कॉल करेंगे। अब आप देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ अभी खेकड़ा के जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग है वहाँ पे। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं इस एक्सप्रेसवे का अपडेट देखना। अब जो आप अपने राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, ये है इसकी अप्रोच रोड। अब बेसिकली दिल्ली से ये एलिवेटेड सेक्शन में होता हुआ यहाँ तक आता है, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग से पहले यहाँ से ये ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा। उसी की अप्रोच रोड है, जो कि हमने भी इनिशियल व्यूज़ में भी देखी और ये अब आपने अपने लेफ्ट में देखी। इसके आगे अब दिल्ली तक ये पूरा पैकेज ऐसे ही एलिवेटेड सेक्शन में चलेगा। ऐसे ही सेंटर में यहाँ पर पोल्स आपको दिखाई देंगे, कंक्रीट पोल्स, और उनके ऊपर ये पिलर आर्म्स बन करके ये पूरा एलिवेटेड सेक्शन ब्रिज सेक्शन रहेगा। अब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर थोड़ा सा आगे चल करके देखेंगे, यहाँ पर आता है खेकड़ा का एरिया। खेकड़ा एक बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एरिया आता है, वही आपके लेफ्ट हैंड साइड पर अब ये पॉइंट है। अब जैसे ही हम खेकड़ा का एग्जिट क्रॉस करते हैं, इससे जस्ट आप आगे आप अपने सामने ही देख रहे हैं कि यहाँ पर पिलर के आर्म्स का काम कंप्लीट है, और बीच में सारा कुछ ज्वाइन करके ये ऊपर ब्रिज कनेक्ट कर दिया गया है आपस में। अब देखिए कितना लंबा सेक्शन अभी आप अपने सामने देखेंगे, जिसके अंदर सारे पिलर्स आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं, और ऊपर जो फ्रेमवर्क का काम है वो भी कंप्लीट है। ऊपर कंक्रीट की जो कनेक्शन होती है वो भी बना दी जा चुकी है, तो उसके ऊपर बस बेसिकली जो DBM की लेयर्स का वर्क होता है और ब्लैक टॉप की लेयर्स का वर्क होता है वो पेंडिंग है, और थोड़ा सा डिवाइडर का या साइड की वॉल्स का काम पेंडिंग है। बाकी तो यहाँ पर काम काफ़ी स्पीडली कंप्लीट हो रहा है। इन पिलर्स पर आप देखिए, पिलर्स के आर्म्स लगा दिए गए हैं, जो साथ में गर्डर्स हैं, गर्डर्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं, बट फ्लोरिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। बट काम काफ़ी स्पीडली चल रहा है। अगर आप मेरा मार्च का अपडेट देखेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे कि इस एरिया में तो काम कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पिलर्स डले हुए थे। पिलर के आर्म्स का काम भी यहाँ पर उस समय नहीं हुआ था। मैं आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप अगर मार्च का अपडेट देखना चाहें तो उससे आपको आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि पिछले 2-3 महीनों में ही कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस इस एरिया में हुई है। उससे पहले इतना स्पीडली नहीं चल रहा था, पर पिछले 2-3 महीने में तो इट हैज़ अ वंडरफुल प्रोग्रेस इट हैज़ शोन। आप इसको आगे इन्जॉय कीजिए। Thank you.
अब जो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं ये है जैन मंदिर मंडौला का एरिया, और इसी के साथ में यहाँ पर एक पुलिस का चेक पोस्ट भी है। तो इस एरिया को बोलते हैं जैन मंदिर और ये एरिया का नाम है मंडौला। अब हम ये मंडौला के सेक्शन में अभी हम मूव कर रहे हैं। आप देखिए इवन अप्रैल मंथ के अपडेट में भी मैं आपको अगर बताऊं तो उसमें गर्डर्स का काम नहीं हुआ था, गर्डर्स को दोनों पिलर्स के बीच में अटैच नहीं किया गया था। उस समय तक भी सिर्फ पिलर के आर्म्स को बनाने का काम चल रहा था। अब आप देखिए कितनी ही स्पीडली यहाँ पर ये अपडेट आप देख सकते हैं, आज की डेट में तो यहाँ पर कितने ही सारे पिलर्स पर जो है फ्लोरिंग का काम भी चल रहा है। अब आप अपने ऊपर जो देखें फ्लोरिंग के काम पर ही ये स्टेज चल रही है, तो कितना ही स्पीडली ये वर्क चल रहा है आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट होगा वो होने वाला है ट्रॉनिका सिटी तक का, क्योंकि तो दोस्तों ट्रॉनिका सिटी के पास एक पर्टिकुलर एक आधे किलोमीटर का एक सेक्शन आता है जहाँ पर ये एक्सप्रेसवे ग्राउंड लेवल पर आ जाता है। वो जस्ट एक 500-700 मीटर के एरिया के लिए ग्राउंड लेवल पर आता है। बेसिकली जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो ये कि वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर एक टोल टैक्स बूथ बनाया जाए। बाकी जो एक्चुअल अपडेट है वो तो हमें कुछ समय बाद ही पता लगेगी कि वो क्या पर्पज़ के लिए हो रहा है, बट आज का अपडेट हम वहाँ तक देखेंगे। और इससे नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको शो करूँगा ट्रॉनिका सिटी से लेकर के जो पाभी पुश्ता का कट आता है वहाँ तक का एरिया। डिस्कस किया था हम आ गए हैं ट्रॉनिका सिटी एरिया के पास, और यहाँ से अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देख पाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक्सप्रेसवे अब धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर आने लगा है। ये लेफ्ट हैंड साइड पर है इसकी अप्रोच रोड, इस अप्रोच रोड के साथ साथ चलते हुए ये आ चुका है यहाँ से आगे ग्राउंड लेवल पर। अब इसके आगे का अपडेट पाभी पुश्ता तक का मैं आपको शो करूँगा अपने नेक्स्ट अपडेट में। टिल देन थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।